शादी के बाद चमका इन पांच भारतीय खिलाड़ियों का करियर। नंबर एक इस समय भारत के रीढ़ की हड्डी। यह पांच खिलाड़ी जिनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शादी के बाद शुरू हुआ। आज इस आर्टिकल आपको भारत के ऐसे पांच खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने शादी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की। पांच केदार जादव भारतीय टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे केदार यादव अकेले ही उनकी शादी के बाद ही चल पड़ा था। उनकी शादी 25 जून 2011 को से हुई थी। उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ शुरू हुआ था। आईपीएल में वी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। चार कुणाल पांड्या भारतीय टीम। कुणाल पांडे फिल्म स्थायी रूप से तो नहीं है, लेकिन जब भी उनकी जरूरत पड़ती है भारतीय टीम में बुला लिया जाता है। शादी के बाद ही चल पड़ा। उनकी शादी को लगभग एक साल हो चुके हैं। उनकी पत्नी का नाम पंखुड़ी पाठक है। तीन मयंक अग्रवाल भारतीय टीम। अंबेडकर वालों को अभी टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। मेलबर्न में उन्होंने 76 रन की शानदार पारी खेली थी और उसी बदल भारती जी ने ऑस्ट्रेलिया को वह मैच 137 रन से हराया था। मयंक अग्रवाल ने कुछ दिनों पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की थी। दोस्त वर्ट बिन्नी भारतीय टीम में। स्टेट बैंक लाल तो है नहीं, लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6 रन देकर 6 विकेट है, जो किसी भी भारतीय के पास के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने 2011 में मयंती लैंगर से शादी की थी, जो कि स्टार स्पोर्ट्स पर एंकर है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 2014 में शुरू किया था। एक अंबाती राय अड्डू भारत की मिलिट्री के बल्लेबाज की भूमिका निभाने वाले नंबर रेड वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल फिट खिलाड़ी माने जा रहे हैं और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। 33 और सीमा की राजधानी कॉलेज की दोस्त की शादी की थी। उन्होंने वर्ष 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं।